أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. क्या उन्होंने देखा नहीं कि हमने उनसे पहले कितनी जमातों को हलाक कर चुके हैं जिनको हमने ज़मीन यानी दुनिया में ऐसी क़ुव्वत दी थी कि तुमको वो क़ुव्वत नहीं दी, और हमने उन पर खूब बारिशें बरसाईं और हमने उनके नीचे से नहरें जारी की, फिर हमने उनको उनके गुनाहों के सबब हलाक कर डाला और उनके बाद दूसरी जमातों को पैदा कर दिया। सूरह अनाम की आयत नंबर 6 आपके सामने पढ़ी गई है। इससे पहले ऊपर की आयत में अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद के बहुत सारे दलाइल को बयान किया था, और ये भी बयान किया था कि वो लोग जब उनके सामने कोई कुरानी आयत उतरती है और वो लोग जब मौजज़ात को अपनी आँखों से देखते हैं तो उन मौजज़ात को झुठला देते हैं, उन आयत कुरानिया को भी झुठला देते हैं और उससे एराज करते हैं और उसका मजाक भी उड़ाते हैं। तो अल्लाह ताला ने उनकी तहदीद के लिए, उनकी वईद के लिए यानी उनको डांटने के लिए अल्लाह ताला ने पहली कौमों का हाल बयान किया है। सूरह अनाम की आयत नंबर 6 में पहली कौमों को, जिसको अल्लाह ताला ने बड़ी क़ुव्वत और ताकत दी थी, बागात उनको अता किए थे, हुकूमत अता की थी, आल औलाद मालो मनाल हर तरह से दुनियावी एतबार से अल्लाह ताला ने मक्का के लोगों से ज़्यादा उनको नवाजा था। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि तुमसे पहली उम्मतों को, तुमसे पहली जमातों को मैंने तुमसे हर एतबार से बरतर बनाया था, आला बनाया था, माल के एतबार से, मनाल के एतबार से, क़ुव्वत के एतबार से, हुकूमत के एतबार से, औलाद के एतबार से, उम्र के एतबार से हमने तुमसे ज़्यादा उनको नवाजा था। लेकिन जब उन लोगों ने खुदा ताला की नाफरमानी की, रसूलों की तकजीब की, रसूलों को झुटलाया, कुरानी अल्लाह ताला के अहकामात को जब उन्होंने ठुकराया तो फिर अल्लाह ताला ने उनको अजाब के अंदर मुबतला किया। अल्लाह ताला कुरान के अंदर, इस आयत करीमा के अंदर फरमा रहे हैं हमने उसको ऐसे ऐसे बागात दिए थे कि जब वो लोग बाग के अंदर से गुजरते थे तो फलों को तोड़ते नहीं थे बल्कि सर पर टोकरा ले करके जाते थे तो इतने फल उससे गिरते थे कि उनके टोकरे बगैर फल तोड़े भर जाते थे, लंबे लंबे बागात। और अल्लाह ताला ने खूब बारिशें बरसाई ताकि खेतियाँ खूब हों, बागात खूब हों, फल उसके अंदर बहुत आए। तो अल्लाह ताला ने उनके नीचे नहरें जारी की थी, बागात दिए थे, हर एतबार से अल्लाह ताला ने उनको नवाजा था। तो कुफ़ार मक्का से कह रहे अल्लाह ताला तुम्हारी क्या हैसियत है, तुम्हारी क्या वक़्त है, तुमको तो हमने उतना माल भी नहीं दिया, तुमको तो उतनी हुकूमत भी नहीं दी, तुमको तो वैसी औलाद भी नहीं दी और तुमको वैसे जो है बागात भी नहीं दिए, फिर तुम लोगों की हैसियत क्या है। अल्लाह ताला उनको तहदीद आमेज़ अंदाज में फरमा रहे हैं कि देखो कौम समूद को देखो, कौम आद को देखो, इसको देखो कैसे कैसे लंबे डील डोल के लोग थे, कई कई फुट लंबे लोग थे, ऐसी क़ुव्वत थी कि वो लोग कहते थे वकालू मिन्ना अशद्दु क़ुव्वा, हमसे ज़्यादा दुनिया में ताकतवर कौन है। अल्लाह ने उसको ऐसे कवि बनाया था कि वो लोग पहाड़ों को हाथों से खोद खोद कर पहाड़ों के अंदर मकानात बनाते थे, बर्तन बनाते थे पत्थरों से। अभी जो है इस तरक्की याफ्ता दौर में बहुत सारे लोग कोशिशें कर रहे हैं कि उन कौमों के जो बाकियात हैं, उन कौमों की जो अलामतें हैं, उनकी हुकूमत, उनकी कुर्सियाँ, उनके प्यारे खाने पीने का बर्तन ज़मीन के नीचे से लोग निकाल रहे हैं, निकाल निकाल करके वीडियो बना करके यूट्यूब वगैरह पर दिखा रहे हैं कि देखो उसके बर्तन कैसे थे, उनकी कुर्सियाँ कैसी थी, कैसे लंबे लंबे लोग थे, रेतियों से उनकी निशानियाँ निकाल निकाल करके वीडियो बना बना करके डाल रहे हैं कि कैसे ऐसे लोग थे। लेकिन जब उन्होंने नबियों की तकजीब की, खुदाई अहकामात को ठुकराया तो फिर अल्लाह ताला ने उनकी क़ुव्वत को, उनकी हुकूमत को, उनकी जो है दौलत को पामाल कर दिया
आने वाली नस्लों के लिए क्या कर दिया, निशानियां बना दी। तो मक्का के लोगों से अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, क्या तुमने पहली उम्मतों को, पहली कौमों को नहीं देखा कि कैसे कैसे लोग थे? यहां तक कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, क्या तुमने नहीं देखा? नहीं देखा मतलब क्या है कि उसके जमाने में ये वाकया पेश आया? ऐसा नहीं है, उसके जमाने में वाकया पेश नहीं आया। लेकिन जब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि क्या तुमने नहीं देखा, मतलब ये है कि बिल्कुल अल्लाह ताला का ये बयान करदा वाकया बिल्कुल सही है, इसके अंदर गलती का कोई इम्कान नहीं है, सब वाकया सही है। हत्ता कि ये लोग अपने ज़माने में, यानी मक्का के लोग अपने ज़माने में जब शाम जाते थे, ईरान जाते थे, रूम जाते थे, तो रूम के इलाकों में उनके खंडरात, उनकी बाकियात को अपनी आँखों से लोग देखते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुसलमानों ने ईरान पर हमला किया, उसके बाद हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में ईरानियों की हुकूमत को ताज के पत्तों की तरफ बिखेर दिया, रूम की ताकत को ताज के पत्तों की तरफ बिखेर दिया। तो इसको भी मक्का के लोग देखते थे, कुरान ने जो कहा उसको अपनी आँखों से भी उसकी निशानियों को देखा, उसकी ताकत और उसकी हुकूमत और उसके आसार को, उसकी बाकियात को इन लोगों ने अपनी आँखों से भी मुशाहिदा किया। फिर अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि हमने उसको हलाक किया, हलाक करके फिर उसकी जगह पर दूसरी कौमों को मैंने जो पैदा किया, उन कौमों को हलाक करके उसकी जगह पर मैंने दूसरी कौमों को भी पैदा किया। मैं किसी का मोहताज नहीं कि तुम जो है इबादत करो तो तुम्हारी इबादत से मेरा कोई फ़ायदा होगा, तुम अगर मेरी इबादत न करो तो मेरा नुकसान होगा। अरे तुम अपनी खैरियत और अपनी आफियत बनाओ कि तुम्हारी जगह पर हम दूसरी कौमों को पैदा करने पर भी कुदरत रखते हैं। ऐसा मत समझो कि हम किसी हाल में भी रहें, गुनाह करते रहें, कुछ भी करते रहें, अल्लाह ताला हमको बाकी रखेगा, ऐसा नहीं है। बल्कि तुम्हारी जगह पर दूसरी कौमों को अल्लाह ताला पैदा कर देंगे, और फिर क्या फरमा रहे हैं, उनके गुनाहों की नहुसत ने उनको बर्बाद किया, हलाक किया। मक्का के लोगों को भी खबरदार कर रहे हैं कि तुम खबरदार हो जाओ, चौकन्ना हो जाओ, जिस तरीके से तुम नबी को झुठला रहे, जिस तरीके कुरानी आयात की तुम तकजीब कर रहे, अन करीब तुमको भी दुनिया के अंदर भी अजाब का सामना करना पड़ेगा। चुनांचे कुफार ने देखा जंगे बदर के अंदर 70 कुफार जो बड़े बड़े सरदार थे उसको जो मुसलमानों ने कत्ल किया, 70 बड़े बड़े सरदारों को गिरफ्तार किया। इस तरीके दुनियावी एतबार से भी उनको जिल्लतुल रुसवाई का सामना करना पड़ा। एक बात यहाँ पर याद रखने की है, गुनाहों की नहुसत से आदमी के ऊपर अजाब आता है, जैसा कि आयत करीमा के अंदर अल्लाह फरमा रहे हैं कि पहली कौमों को, पहली उम्मतों को अल्लाह ताला ने उनके गुनाहों की वजह से हलाक किया। आज जितने भी अजाबात आ रहे, जितनी भी बलाएँ आ रही हैं, जितनी भी मुसीबतें आ रही हैं, ये हमारे गुनाहों की नहुसत की वजह से ये बलाएँ आ रही हैं, ये मुसीबतें आ रही हैं और ये अजाबात आ रहे हैं। सारी दुनिया के अंदर इतना गुनाह आम हो गया, इतना गुनाह आम हो गया कि पहले ज़माने में इन गुनाहों की वजह से अल्लाह ताला ज़मीन से उठा उठा करके ऊपर चले जा करके पटक देते थे, किसी को सुअर, किसी को जो है बंदर, और किसी की शक्लों को मस्क कर देते थे। ये तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का सदका है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत है कि अल्लाह ताला ने हमको सही सालिम रखा। वरना आज इतने गुनाह हो रहे हैं, इतने गुनाह हो रहे हैं कि आज से 50 साल पहले इन गुनाहों का दसवां हिस्सा भी नहीं होता था। तो इतने गुनाह हो रहे हैं, तो पहली उम्मतों को अल्लाह ताला ने जो हलाक किया, बर्बाद किया, उनके गुनाहों की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी, या अल्लाह मेरी कौम को, मेरी उम्मत को हलाक मत कीजिएगा। अल्लाह ताला ने वादा किया था मैं आपकी उम्मत को हलाक तो नहीं करूँगा, लेकिन उनको खबरदार करने के लिए, उनको चौकन्ना करने के लिए, उनको होशियार करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की बलाओं के अंदर मुब्तला करूँगा। कभी सैलाब का अजाब आएगा, कभी कहतारी, हर तरह से उनको मैं चौकन्ना करता रहूँगा। इस आयत करीमा के अंदर एक जुमला है, कर्ण। कर्ण किसको कहते हैं? कर्ण के बारे में मुफस्सिरीन ने बहुत सारे मानी बयान किए हैं। एक माना ये बयान किया गया, कर्ण कहते 100 साल की मुद्दत को, 100 साल की मुद्दत को कर्ण कहते हैं, यानी जमाना। चुनांचे हदीस शरीफ के अंदर भी आता है कि सबसे बेहतरीन जमाना, खैरुल कुरूनी कर्णी सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम,
सबसे बेहतरीन जमाना मेरा जमाना है, उसके बाद मेरे बाद यानी सहाबा इकराम का जमाना है, सहाबा इकराम के बाद ताबीन का जमाना है, ताबीन के बाद तबे ताबीन का जमाना है, उसके बाद शर का दौर शुरू होगा। यानी इन तीन अदवार में, इन तीन दौरों में खैर गालिब होगा, शर मगलूब होगा, लेकिन इन 300 सालों के बाद फिर शर गालिब हो जाएगा और खैर मगलूब हो जाएगी। तो बड़े कभी साचे करीमा के अंदर अल्लाह ताला ने कुफार मक्का को खिताब किया, लेकिन उसके अंदर हम लोग भी शामिल हैं। कुफार मक्का को तो खिताब किया, उसको खबरदार किया कि पहली उम्मतों के अहवाल को देखो, उनके अंजाम को देखो, और उसके अंजाम को देख करके तुम इबरत हासिल करो, नसीहत हासिल करो। लेकिन हम लोग भी आयत करीमा के अंदर शामिल है कि अगर हम लोगों ने गुनाहों को न छोड़ा, गुनाहों से न बचे, फिर हमारा अंजाम भी वैसे ही होगा जैसे कि पहले दौर के लोगों का हुआ, पहले दौर की उम्मतों का और पहले दौर की कौमों का ऐसा अंजाम हुआ। लेकिन ये बात याद रखनी चाहिए कि अगर किसी बला में मुसलमान हलाक हो गया तो आखरत के एतबार से उसको कामयाबी मिलेगी, दुनियावी एतबार से अजाब आएगा तो वो मुबतला होंगे, लेकिन आखरत के एतबार से काफिरों के साथ मुसलमानों का हशर नहीं होगा, बल्कि अल्लाह ताला उसका हिसाब किताब लेंगे। जिस गुनाह का जो सज़ा होगी उसकी सज़ा दे करके उसको फिर जन्नत के अंदर दाखिल करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिही।